हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज आपका इकोनॉमिक का एग्जाम है, जितने भी एमकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आपको मैं आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट सभी को क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब संख्या में एमसीक्यूज मिलेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में 100% दे पाओगे। तो दोस्तों कहाँ और कैसे मिलेगा? दोस्तों अभी आप लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि सर ये एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है क्या? तो दोस्तों यस, 100% इम्पोर्टेंट ही एमसीक्यूज आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों को तैयारी करना है और ये एमसीक्यूज एक ही सेट नहीं है, मैंने चार सेट चार पार्ट में एमसीक्यूज डिवाइड करके दिया हुआ है। मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों आपको कहाँ और किधर से मिलेंगे, तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा था एमसीक्यूज पार्ट 4 इकोनॉमिक लिखा हुआ है, एमसीक्यूज पार्ट 3 इकोनॉमिक लिखा हुआ है, एमसीक्यूज पार्ट 2। अब दोस्तों आपको इधर जाना कैसे है, पार्ट 1 भी है, किधर है, मैं सब चीज़ बताता हूँ इसी वीडियो में। जितने भी न्यू दोस्त यार इस चैनल पे जुड़े हुए, पहले तो उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बिकॉज आप एमकॉम पार्ट 2 में भी जाओगे तो आपको ये चैनल काम आने वाला है और साथ ही साथ इस वेबसाइट पे भी आपको काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे कैसे आना है ये भी बता देता हूँ। आपको गूगल पे आना है और www.surajpatelEducation.com लिखना है और देन इंटर करना है। जैसे ही आप दोस्तों लिखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों ये इंटरफेस जो आपके सामने आएगा यही है जो आपको इधर दिख रहा है, लेकिन हम नीचे चले जाते हैं और ये देखते हैं इकोनॉमिक पार्ट 4, इकोनॉमिक पार्ट 3, इकोनॉमिक पार्ट 2 और इकोनॉमिक पार्ट 1 के लिए दोस्तों आपको इधर नीचे आना होगा और इधर पेज नंबर 3 पे जाना, इधर दिख रहा होगा 1, 2 और 3, आपको इधर 3 पे जाना होगा जिसमें 50 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इधर मैं नीचे आऊँगा, ये देखें ये इकोनॉमिक का पार्ट 1 है, ठीक है, सबसे पहला इकोनॉमिक का यही डाला हुआ था। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब में दोस्तों, ठीक है, एंड देन फिर हम पीछे चले जाते हैं पेज वन पे जहाँ हमारे सब चीज़ थे। आपको भी दोस्तों ऐसे ही ओपन करना है और या तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वीडियो के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएंगे। देन दोस्तों मैं इसको पार्ट 2 ओपन कर लेता हूँ, मैं डिफरेंस भी आप लोगों को समझा देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तभी आपको हर एक चीज़ पता चलेगा, ठीक है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में और इसे भी ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। देन दोस्तों अब हम इधर देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमने ओपन किया था वो ये था, ठीक है। दोस्तों आपको इसके थंबनेल से भी पता चल जाएगा कि ये पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में आपको इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, 50 MCQs आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों आप इधर से रीड कर सकते हो, देखिए आपको क्वेश्चन देख के भी समझ रहा होगा जो एग्जाम में पूछने लायक ही क्वेश्चन है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो मैंने इधर ओपन किया ना साइट में पार्ट 1 पार्ट 2, इधर ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप दोस्तों इस लिंक से भी ओपन कर सकते हो। दोस्तों आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगा, 100 rupees चार्ज है, आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यही नंबर आपके गूगल पे फोन पे का, आप इस पे 100 rupees ट्रांसफर करके उसका शॉर्ट स्क्रीन मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिए, मैं आपको तुरंत ही इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। देन दोस्तों हम चले जाते हैं अब नेक्स्ट वाले पे। देखिए ये दोस्तों पार्ट 2 है, ठीक है, मैंने आपको कैसे ओपन करना है यहाँ से मैंने बता दिया है, ठीक है दोस्तों आप लोगों को, मैं अभी डायरेक्टली एक्सप्लेन करके आगे जा रहा हूँ। तो ये पार्ट 2 में दोस्तों आप देख लगते हो 25 MCQs मैंने इसमें लिया हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। दोस्तों आपको चारों सेट करना है एग्जाम में, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इसके लिए आपको चारों सेट करना ही होगा, ठीक है। आधा अधूरा करके जाओगे तो यार दोस्तों उसकी कोई गारंटी नहीं है। और सर एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है क्या? डेफिनेटली दोस्तों आने जैसे क्वेश्चन आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आई थिंक कि कल के भी MCQs में कुछ बोलते हैं ना चाइना वाइना को लेके, फ्रांस को लेके MCQs पूछा गया था, ठीक है। तो ये फिलहाल तो इकोनॉमिक है और इकोनॉमिक के रिलेटेड भी कंट्री वाइज पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये था अपना तीसरा, आपको थंबनेल और फॉन्ट से भी पता चल जाएगा क्योंकि मैंने चारों सेट के फॉन्ट भी अलग रखे हुए हैं दोस्तों और नंबर भी अलग है, उसमें एक से था इधर देखिए 25 से चालू हो रहा है और इसका थंबनेल ये है। अब मैं पार्ट 4 में चले जाऊंगा तो वो 50 के आगे चालू होगा दोस्तों, ये देखिए 51 से चालू होगा, थंबनेल भी चेंज है, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो दोस्तों आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 190+ MCQs आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगे।
तो आई होप दोस्तों अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट से पढ़ सकते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे ही आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको बार बार ओपन नहीं करना है तो इधर हर जगह आपको चारों पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप इधर से भी ओपन करके एमसीक्यूज स्टडी कर सकते हो। और आपको कॉन्टेक्ट करना है तो इस नंबर पर कर सकते हो, पीडीएफ के लिए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा 100 रुपीज़, और आप कॉन्टेक्ट करके मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। आई होप दोस्तों की वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यार लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।